नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न 3 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं कि प्रश्न है क्या। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास है एक घड़ी, ये इसका केंद्र। एक घड़ी की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मान लो यह सुई, ये है सुई, इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में, मान लो पहले यह 12 पर है, मिनट की सुई है, यह 12 पर है और अब यह है 1 पर आ जाएगी इस प्रकार से। तो यह 5 मिनट में इतना इसने जो क्षेत्रफल है वह कवर किया है, रचित किया है। ठीक है बच्चों, तो हमें देखना है कि इस क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना होगा। मान लो यह है ओ, यह है ए, यह है बी। बच्चों इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, घड़ी की सुई यदि यहां पर है, एक घंटे में यदि वापिस यहां आए तो 360 डिग्री का, यह बीच वाला कोण 360 डिग्री का होता है, आप सबको पता है, गोल पूरा है ना। तो यदि मिनट की सुई है, यह 360 डिग्री कवर करती है कितने मिनट में, 60 मिनट में। ठीक है बच्चों, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में 360 बटा 60 और 5 मिनट में करेगी 360 बटा 60 गुना 5। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसे हम काट कर देखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट गया 36, 6 छीके 36, तो 6 गुना 5 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, 5 मिनट में मिनट की सुई 30 डिग्री। इसका मतलब यह जो कोण है यह 30 डिग्री आ गया, यानी थीटा आ गया 30 डिग्री, और घड़ी की सुई की लंबाई दी है 14, और सुई की लंबाई का मतलब क्या हुआ बच्चों, यह है त्रिज्या। सुई की लंबाई मतलब त्रिज्या, यानी त्रिज्या आर बराबर है 14 सेंटीमीटर के। तो बच्चों हमें यह क्षेत्रफल निकालना है, यह भी एक तरह का त्रिज्य, ये भी त्रिज्य खंड है। तो हम लिखेंगे बच्चों 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ठीक है बच्चों, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। आइए इसे अब हम हल करते हैं। देखिए बच्चों, थीटा है 30 डिग्री जो हमने अभी निकाला था, बटा 360 डिग्री गुना पाई, पाई है 22 बटा 7 गुना आर स्क्वायर, आर है 14, यानी 14 गुना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसे बच्चों हल करेंगे। देखिए, शून्य से शून्य कट गया, 3 से कट गया 36, 12 तीय 36, ठीक है बच्चों, 7 से 14 कट जाएगा, 7 दुनी 14, ठीक है। उसके बाद बच्चों 2 से कट जाएगा 12, 6 दुनी 12, और 2 से कट जाएगा 11 दुनी 22 और 3 दुनी 6। तो इस प्रकार से हमारे पास ऊपर क्या बच गया, 11 गुना 14, 11 गुना 14 होता है 154 बटा, नीचे यहां से बचा है 3 और यहां नीचे कुछ भी नहीं है, यानी ये आ गया 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप दशमलव में चाहें तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3 आगे 10, यानी 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप भाग करके भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 154/3 cm² या 51.33 cm². ये दोनों ही सही उत्तर हैं, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा, इस वीडियो के माध्यम से एक घड़ी द्वारा 5 मिनट में कवर किया हुआ क्षेत्रफल त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के सूत्र के अनुसार हमने निकाल कर ज्ञात किया है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि किसी भी स्टेप से आपको यह प्रश्न समझ ना आया हो तो आप वापिस जाकर इस प्रश्न का वीडियो दोबारा देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और प्रश्न को दोबारा समझ सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के वीडियोस को देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।